हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और सबसे फैला हुआ ऊतक है मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स different organs and tissues, जैसे इसके नाम से connect करना, तो different organs और tissues को connect करता है। Next है, it provide support to different organs, ये body के different organs को स्पॉट प्रोवाइड करता है, सहारा प्रदान करता है। एंड ऑल्सो एक्ट्स एज ए पैकिंग मटेरियल बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो सबसे पहले अपने देखा, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। शरीर में सर्वाधिक रूप से फैला हुआ एक टिश्यू है जो क्या काम करता है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, विभिन्न अंगों को और विभिन्न ऊतकों को टिश्यूज को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स हैं उनको एक सहारा प्रदान करता है और उनके बीच में एक पैकिंग का कार्य भी करता है कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। तीन कंपोनेंट है मेनली इनके, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। तो यहां पर अपन एक एक को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इट इज ए ग्राउंड सब्सटेंस मेनली कंसिस्ट विद म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स। इट्स सीक्रेटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर द कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स और कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, दे आर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, सभी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होगा जो किससे बना है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से बना है। कौन सेक्रेट करता है कि कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेसिफिक सेल है फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट विच आर द कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दे सीक्रेट्स मैट्रिक्स। एंड सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स सच एज फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट, हिस्टियोसाइट्स
They are also known as phagocytes. Next, adipose cells, mast cells, plasma cells, lymphocytes, ये पढ़ लेंगे। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, कई तरह के सेल्स हुए जिनके फंक्शन भी अपन आगे देखेंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, हिस्टोसाइट्स है ना, जिनको फैगोसाइट्स बोल सकते हैं, मैक्रोफेजेस बोल सकते हैं, एडिपोज सेल्स है, मास्ट सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मीजेनकाइमल सेल्स है, मीजेनकाइमल सेल्स है। तो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, सेल्स होंगे। फाइबर्स, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ओके, व्हाइट फाइबर्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। दूसरा, दे ऑलवेज अरेंज इन बंडल्स एंड दे आर अनब्रांच्ड फाइबर्स, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन प्रोटीन से बने होंगे, बंडल्स में अरेंज होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे देखते हैं अपन, येलो फाइबर्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, दे आर सिंगली अरेंज, सिंगली अरेंज एंड दे आर ब्रांच्ड फाइबर्स, दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी। देखे व्हाइट फाइबर्स दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड येलो फाइबर्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी। तो मेन कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू के, मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर्स। मैट्रिक्स है वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से बना है, जो इसके मैट्रिक्स में पाए जाने वाले फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट करते हैं। फिर सेल्स हैं, कई तरह के सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, हिस्टोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, एडिपोज सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मीजेनकाइमल सेल्स हैं। और फाइबर्स की बात करें तो व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से बने हैं, येलो फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन से बने हैं। व्हाइट फाइबर्स हमेशा बंडल्स में अरेंज होंगे, इलास्टिन फाइबर्स सिंगली अरेंज होंगे। व्हाइट फाइबर्स अनब्रांच्ड हैं, येलो फाइबर्स ब्रांच्ड हैं। व्हाइट फाइबर्स रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और येलो फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये था कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोनेंट्स। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के अपन मेनली तीन टाइप देखेंगे। पहले टाइप में देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा देखेंगे स्पेशलाइज्ड
कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के फिर दो पार्ट पड़ेंगे अपन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड आएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखें, एक तो होगा रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। दूसरा इसका पढ़ेंगे अपन इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें एक पार्ट में पढ़ेगा अपन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड पार्ट में पढ़ेगा अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें पढ़ेगा अपन बोन, और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो अपन पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ। तो अब एक एक को देखेंगे अपन, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज एंड मैट्रिक्स, यानी अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स ज्यादा होगा और उसमें सेल्स और फाइबर्स हैं वो लूजली पैक्ड होंगे। तो अपन बात करें सेल्स की, सेल्स में देखिए फाइब्रोब्लास्ट, दे सीक्रेट्स फाइबर्स एंड ऑल्सो सीक्रेट मैट्रिक्स, दे मे बी और कैन बी मॉडिफाइड इंटू ऑस्टियोब्लास्ट, यानी बॉन फॉर्मिंग सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सबसे बड़े सेल्स हैं जो फाइबर सीक्रेट करते हैं, मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं और बॉन फॉर्मेशन के समय ये ऑस्टियोब्लास्ट में भी मॉडिफाई होने की कैपेसिटी रखते हैं। ये है फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन मास्ट सेल्स, दे सीक्रेट्स
हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट ऑल्सो सीक्रेट्स हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग एनी इंफेक्शन और इंजरी और एट द टाइम ऑफ एलर्जी, यानी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए वैसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई भी इंजरी है उस समय ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को लॉस होने से रोकते हैं। तो मास सेल्स है वो हिपेरिन सीक्रेट करते हैं जो एक एंटीकोगुलेंट है, हिस्टामाइन सीक्रेट करते हैं जो एक वैसो डायलेटर है, सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं जो एक वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है। तो दो सेल देखे अपने, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें प्लाज्मा सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टविल सेल्स। नेक्स्ट दे आर फॉर्म बाई डिवाइडेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स के डिवाइड होने से बनते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो कॉल्ड क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स, दे हैव और दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, सो कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स, यानी दे हैव टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मीन्स हैव कैपेबिलिटी और हैव एबिलिटी टू मॉडिफाइड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। हिस्टोसाइट्स, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, एडिपोज सेल्स, दे स्टोर फैट्स। एडिपोज सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर। द यूनिलोकुलर हैव ए लार्ज वैक्यूल विच इज फिल्ड विद फैट एंड दे फॉर्म व्हाइट फैट, एंड द मल्टीलोकुलर एडिपोज सेल्स हैव थ्री और फोर फैट फिल्ड लोकुल्स, दे फॉर्म ब्राउन फैट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टेड टिश्यू, जिसके बारे में सबके फंक्शन अपन देखे। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अगर इसको अपन देखें, सारे सेल्स को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें अपन, तो देखें
मैट्रिक्स है, देखिए लिम्फोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन मैट्रिक्स, फ्लूइड पार्ट मैट्रिक्स। द लूज कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दिस स्ट्रक्चर इज मेनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड टू टाइप ऑफ फाइबर्स विच आर लूजली पैक्ड इन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें, देखें कहां पे, ये बिलो द स्किन, नेक्स्ट बिटवीन मसल्स एंड नर्वस एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट टाइप के सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स और मेनली कहाँ पे हैं, जो स्किन के नीचे, मसल्स के बीच में, नर्व्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, ये सारा कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे में बात करेंगे, एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट एडिपोसाइट्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट। एडिपोसाइट्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू। द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और द फैट इज मोस्टली ऑफ टू टाइप्स, व्हाइट फैट कंपोज्ड ऑफ यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स, ए सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल फिल्ड विद फैट एंड माइन्यूट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल
पेनिकुलस एडिपोसस बिलो द स्किन, देखिए ये एक शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करता है फैट एडिपोज टिश्यू, और साथ में ये हीट रेजिस्टेंट का काम भी करता है। तो पेनिकुलस एडिपोसस स्किन के नीचे जो फैटी लेयर, द फैटी लेयर इज मच थिक इन एलिफेंट एंड व्हेल, इट इज कॉल्ड ब्लबर। ब्लबर हम्प ऑफ कैमिल, ऑल दे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट फैट। सेकेंड देखते हैं अपन ब्राउन फैट, इट कंपोज ऑफ मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स, जैसे एक सेल है उस सेल में फैट से भरी हुई तीन या चार लोकुल है। नेक्स्ट अपन वी कैन से दैट ब्राउन फैट प्रोवाइड अबाउट 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन व्हाइट फैट। जो ब्राउन फैट है वो व्हाइट फैट के कंपेयर में करीब 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट इज मेनली प्रेजेंट इन्फेंट्स, कहां पे है इन्फेंट्स में। इसके अलावा कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे किडनी आई बॉल, इनके चारों ओर भी एडिपोज लेयर की टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट पढ़े अपन ने, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद अपन देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स एंड फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड इन मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब द फाइबर्स आर रेगुलरली और पैरेलली अरेंज इन मैट्रिक्स। द फाइबर्स मैट्रिक्स में एक दूसरे के पैरेलल यानी रेगुलरली अरेंज है। तो इनमें एक तो देखते हैं टेंडन्स मेनली हैव कोलेजन फाइबर्स इन मैट्रिक्स, दे कनेक्ट और जॉइन द स्केलेटन मसल्स टू बॉन्स। ये हमारी मसल्स को जो स्मूथ जो स्केलेटल मसल्स है कंकाल पेशियां हैं उनको हमारी बोन से जोड़ने का कार्य करते हैं टेंडन्स
और मेनली इनके मैट्रिक्स में कौन सी फाइबर्स हैं? कोलेजन फाइबर्स हैं। दूसरे देखते हैं, दे हैव मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स एंड सम कोलेजन फाइबर्स, सम इनमें मोस्टली इलास्टिक फाइबर्स है, कुछ कोलेजन फाइबर्स भी है। दे कनेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड, ये दो बॉन्ड को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। तो लिगामेंट्स देखें, यहां पर जो डेंस कनेक्टेड टिश्यू है उसके दो एग्जांपल देखे अपन ने, उसमें भी रेगुलर के रेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू के दो एग्जांपल देखे। टेंडॉन्स जो मेनली किससे बने हैं? कोलेजन फाइबर से, और ये हमारी मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स के साथ। और लिगामेंट्स जिनमें मेनली तो क्या है? इलास्टिक फाइबर्स हैं, उनके साथ साथ कुछ कोलेजन फाइबर्स भी हैं, और ये हमारी बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये था डेंस, लेकिन कौन सा? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा अपन देखते हैं, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू द फाइबर्स आर इरेगुलरली अरेंज, एनिमित रूप से बिखरे हुए हैं। तो इनमें अपन देखते हैं, मेनली दे फॉर्म कवरिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट सच एज ड्यूरामेटर, कवरिंग ऑफ वेन, स्क्रोटिक, कवरिंग ऑफ आईबॉल, पेरियोस्टियम, कवरिंग ऑफ बोन्स, पेरिकोंड्रियम, कवरिंग ऑफ कार्टिलेजेस, रेनल कैप्सूल, कवरिंग ऑफ किडनी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कवरिंग बनाने का काम करते हैं, जैसे ड्यूरामेटर है, स्क्लेरोटिक है, पेरियोस्टियम है, पेरिकोंड्रियम है, रेनल कैप्सूल है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अपने देखो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू के तीन कॉम्पोनेंट कौन कौन से कॉम्पोनेंट? नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड फाइबर्स, और थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट था कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपने देखा कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद अपन बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखा टेंडॉन्स और लिगामेंट्स। टेंडॉन्स मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन से, और लिगामेंट्स बोन्स को कनेक्ट करते हैं। और इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में जो फाइबर्स हैं वो इररेगुलरली स्कैटर्ड है, एनिमित रूप से बिखरे हुए हैं, और ये मेन रूप से कुछ बॉडी पार्ट्स की कवरिंग बनाने का कार्य करते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन कल इसको पढ़ेंगे, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।